हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जायका विद ट्विस्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मोरधन, जिसे आप समक भी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, बारीक कटे हुए आलू, भुने हुए मूंगफली के दाने, एक कप मोरधन, तेल और बारीक कटे हुए टमाटर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेल 3 टेबलस्पून। आप अगर चाहें तो तेल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तेल के गरम हो जाने पे हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अगर चाहें तो हरी मिर्च को लंबा काट के भी इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए आलू और हम इन्हें सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके ढक के सेम आँच पे तब तक छोड़ देंगे जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हम चेक करते हैं आलू गले हैं कि नहीं। हम सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू गल गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। हमने यहाँ 1 मीडियम साइज़ टमाटर का यूज़ किया है, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। रोस्टेड मूंगफली के दाने, हम यहाँ 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने डालेंगे। आप इसका मेज़रमेंट अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर हल्के गल नहीं जाते। दो से तीन मिनट के बाद चलिए देखते हैं टमाटर गले हैं कि नहीं। हम ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि टमाटर हल्के गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर हल्के से गल गए हैं। तो हम एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे मोरधन। हमने यहाँ 1 कप मोरधन को अच्छे से धो लिया पानी से 1 से 2 बार और फिर उसे लगभग 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे बहुत ही सावधानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप मोरधन में हमें 2 कप पानी का यूज़ करना है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे सेम आँच पे जब तक कि मोरधन पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता।
लगभग 7 मिनट के बाद चलिए चेक करते हैं मूर्धन बना है कि नहीं। देखिए पानी अच्छे से सूख गया है और हमारा मूर्धन भी बन के रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गार्निश करेंगे ऊपर से हरे धनिए के साथ और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कितनी आसानी से और झटपट हमने बना लिए व्रत में खाने वाले मूर्धन। आप लोग इस रेसिपी को इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।